हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग क्लास। सो काफी वन वेलकम टू कोडिंग क्लास। सो काफी टाइम से इस चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही थी। ऑलमोस्ट 10 डेज से इस चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। अभी आज ही मैं अपने ऑफिस आया हूँ, तो आज से मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट 1 वीक के बाद जो आपको प्रॉपर वीडियोज, जो एनालिसिस वीडियो जो डेली हम एनालिसिस करते हैं, वो उसकी वीडियोज मिलेंगे। एवरी सैटरडे संडे मैं कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो भी स्ट्रैटेजीज पे मैं काम कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपको वीडियो शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीक से आपको प्रॉपर वीडियोस मिलने लगेगी। अभी मैं 2 दिन के लिए अपने ऑफिस आया हूँ, तो आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं कल रिकॉर्ड करूँगा। तो ये 2 वीडियो आपको इस वीक में मिल जाएंगी। इसके बाद जो भी रिमेनिंग वीडियोज़ होंगी हम लोग वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। सो 18 अगस्त से प्रॉपर आपको वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएंगी और कम्प्लीटली एनालिसिस की ऊपर भी वीडियोज़ मिलेंगी। और दूसरी चीज़, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि मैं शॉर्ट्स बनाने के प्लान कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा यूट्यूब पे एक फीचर है जिसमें आप 1 मिनट की वीडियोस बना सकते हैं। शॉर्ट्स में मैं पूरा मार्केट एनालिसिस के अलावा पूरा मार्केट डिटेल और भी कंपनीज़ के ऊपर जो रिव्यूज़ हैं, जो भी कंपनीज़ का एक एनालिसिस करने के ऊपर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर दिन एक एक शॉर्ट्स भी बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको इस तरह के शॉर्ट्स चाहिए जो एक कंपनी, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि अगर आपको रिलायंस के बारे में जानना है, रिलायंस का पूरा क्या बिजनेस मॉडल है, क्या उनके बिजनेसेस हैं, उसके बारे में जानना है, तो 1 मिनट की वीडियो में मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मारुति सुजुकी के ऊपर एक शॉर्ट्स बना लेंगे, टाटा मोटर्स के ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1-1 मिनट की वीडियो में पूरे एक कंपनी का एनालिसिस करूँ कि क्या क्या बिजनेस है उनके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में शॉर्ट्स लिख दीजिए सो दैट कि मुझे समझ में आ सके और आप इंटरेस्टेड हैं। अगर अच्छा रिस्पांस मिला, जैसा कि हम लोग हमेशा टारगेट करते हैं, अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग शॉर्ट्स भी बनाना शुरू करेंगे। डेली एक एनालिसिस वीडियो के अलावा एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाना शुरू करेंगे। अब चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं और समझते हैं कि अभी हमारे क्या क्या ट्रेड चल रहे हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करनी है। ये सारी डिटेल्स आज हम चेक कर लेते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का एक्चुअली चार्ट खोला हुआ है और ये 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी आज कंटिन्यूसली एक अप मूवमेंट में थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड में आपको दिखेगा आज के पर्टिकुलर डे में। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने जैसे ही आज एक एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा डाउन खुला था क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी स्लाइटली नेगेटिव था, तो आज मार्केट भी थोड़ा डाउन खुला और फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में भी मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अच्छा खासा करेक्शन है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में। ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स के आसपास का करेक्शन आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में। उसके बाद मार्केट में एक रैली देखने को मिली आपको और कंटिन्यूसली ये रैली आपको देखने को मिलेगी। एक बार को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया भी 38,000 के आसपास, थोड़ा सा करेक्शन भी आया, उसके बाद मार्केट फिर से स्टेबल हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट डे का जो एक रेजिस्टेंस बना था उसी लेवल पे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया और फिर से एक सेकेंड लेग की रैली मार्केट ने दी। एंड इंटरेस्टिंग थिंग, इवन ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि सेकेंड हाफ में यूजली मार्केट में सेल ऑफ आता है। FIs यूजली सेकेंड हाफ में मार्केट के आके सेल करते हैं, बट आज के दिन हमें कोई भी ऐसी सेल ऑफ देखने को नहीं मिला। सो ये एक बुलिश साइन शो करता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ये हमारा एक जनरल एनालिसिस है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। अब हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आपको काफी बुलिश दिखेगा। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्लाइटली ज्यादा बुलिश दिखेगा कंपेयर टू निफ्टी। अगर आप यहाँ पे बात करें तो निफ्टी ने आज एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। 17,500 निफ्टी के लिए काफी मेजर रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अराउंड 240 के आसपास फिर से एक थोड़ा सा करेक्शन आया और निफ्टी 17,500 के नीचे आ गया था, बट अगेन उसको ब्रेक करके ऊपर ही आज के दिन मार्केट 17,500 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये शो करता है कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए काफ़ी बुलिश है। हाँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 17,800 मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी मार्केट 17,800 पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि अगले आने वाले 2 दिनों में, क्योंकि कल ट्यूजडे के दिन मार्केट बंद रहेगा, तो हमारे पास इस एक्सपायरी में सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग सेशन हैं,
एक वेंसडे का दिन और एक थर्सडे का दिन। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नेक्स्ट 2 डेज में मार्केट 17,500 से लेके 17,800 के बीच में ट्रेड करता है या नहीं। और अगर एक बात मैं आपको और बता दूं, 17,500 अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर से 17,500 रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। अब हम लोग ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, आपको 17,700 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, 17,600 पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और बट आप यहाँ पे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज के दिन राइट नहीं हुआ है। ऑलरेडी ये जो ओपन इंटरेस्ट है 17,000 और 18,000 का ओपन इंटरेस्ट, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत कम हुआ है। अगर हम वैल्यू में बात करें तो बहुत कम क्वांटिटीज़ में यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपनी ऑप्शन को राइट किया हुआ है। जो हमें मेजर राइटिंग देखने को मिलेगी वो 17,700 पे देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा वो आने वाले टाइम में वो 17,700 काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक तो हमें ऑलरेडी आज के दिन 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन हुआ। टोटल 54 लाख के ओपन इंटरेस्ट में से 41 तो सिर्फ आज के दिन ऐड हुआ है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में पुट राइटर्स इसको डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए क्योंकि आज के दिन ही काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे राइट हुआ है। और अपकमिंग वेंसडे को अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इन 17,500 की जिन्होंने आज के दिन राइट किया हुआ है, इनको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा और वो मार्केट को और नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो हमारे लिए 17,500 डाउन साइड में बहुत क्रूशियल लेवल है। तो इस लेवल का हमें ध्यान रखना है कि 17,500 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमें सीधा 17,300 पे जाना है, ना कि 17,400 पे, क्योंकि 17,400 को भी पॉसिबली है कि मार्केट टेकआउट कर ले अगर 17,500 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा 38,500 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। दो यहाँ पे आज अनवाइंडिंग आपको दिखेगी, बट स्टिल अभी भी काफ़ी ह्यूज राइटिंग हो रखी है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए तो हमारे पास 38,500 ही रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट की बात करें तो आप 38,000 पे क्लियरली देख सकते हैं। आज के दिन 12 लाख ओपन इंटरेस्ट का खड़ा है और टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 38,000 पे। तो हमारे लिए जो रेंज है वो बहुत टाइट रेंज है, 38,000 से लेके 38,500। बट जैसा कि मैंने आपसे बताया, अगर कल के दिन गैप डाउन होता है, बैंक निफ्टी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वेंसडे के दिन अगर गैप डाउन होता है तो हमें सपोर्ट 38,000 पे मिलेगा। और अगर गैप अप ओपन होता है तो 38,500 मार्केट इजिली ब्रेक कर सकता है और मोस्ट प्रोबेबली फिर मार्केट की एक्सपायरी 38 के ऊपर ही होगी, 38,500 के ऊपर ही होगी, राइट। अब हम लोग अपने ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने पहले, मैं आपके साथ ये तीन ट्रेड आप देख लीजिए, ये तीन ट्रेड हैं जो मैं इस समय कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सबसे पहला ट्रेड है, ये हमारा निफ्टी का आयरन बटरफ्लाई। एक्चुअली आज मॉर्निंग में मैंने एक एडजस्टमेंट दिया था बट वो टाइपिंग एरर की वजह से मैंने 17,100 की जगह पे 17,150 का पुट ऑप्शन सेल करने के लिए लिख दिया था। दोस्त को मैंने 15 से 20 सेकंड बाद हटा लिया, बट कुछ लोगों ने ऑलरेडी वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था। बट अगर किसी ने 17,150 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हेज को 17,200 पे शिफ्ट कर सकते थे, राइट। तो इस ट्रेड में हमने क्या क्या किया है? इस ट्रेड में हमने कुछ नहीं किया हुआ है। जब मार्केट ने हमारा ऊपर की तरफ ब्रेक इवन ब्रेक करने वाला था तो हमने क्या किया, हमने 17,100 का एक पुट ऑप्शन सेल किया हुआ और डे एंड में हमने अपने दोनों हेजेस को क्लोज कर दिया और दो एक्स्ट्रा हेजेस बाय कर लिए, 17,200 का पुट साइड में और 17,600 का कॉल साइड में, जस्ट टू अपने ये जो हमारा मैक्सिमम रिस्क है ऊपर की तरफ उसको कम करने के लिए। नीचे की तरफ अगर हमारा रिस्क, अगर आप देखें तो रिस्क ज़्यादा है, बट हमारे पास ये जो ग्रीन जोन है ये भी काफ़ी बड़ा है, तो नीचे की तरफ हमारा रिस्क फिलहाल इतना नहीं है, हमारा फिलहाल जो ज़्यादा रिस्क है वो ऊपर की तरफ है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो हमने 17,100 का पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है जस्ट टू ओवरनाइट रिस्क, अपने आप को ओवरनाइट के रिस्क से बचाने के लिए, क्योंकि ये नेकेड ऑप्शन है और अगर कल के दिन मार्केट में कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खोलता है तो हमें अपने रिस्क को बचाने के लिए मैंने ये 16,900 का एक पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है। जैसे ही वेंसडे के दिन मार्केट ओपन होगा मॉर्निंग में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, स्लाइटली नेगेटिव ओपन होता है, स्लाइटली पॉजिटिव ओपन होता है, कुछ भी हो, मैं इसको जैसे ही मार्केट ओपन होगा मैं इसको क्लोज कर दूंगा, बस
तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसके प्रीमियम जो है 7 आपको दिखेगा, तो इसमें 1-2 रुपए का प्रीमियम कम हो सकता है, बट 1-2 रुपए का प्रीमियम सेक्रीफाइस करके हम अपने ट्रेड को ओवरनाइट रिस्क से बचा सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड थिंग कि आप जो भी ट्रेड करें उसमें हमेशा सेफ रहें, प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचें। इसीलिए मैंने ये वाला जो है इसको हमने बाय किया हुआ है जस्ट फॉर द ओवरनाइट रिस्क। दूसरा ट्रेड अगर आप ये देखें तो ये दूसरा ट्रेड मेरा चल रहा है, ये कैलेंडर का ट्रेड है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल में। फिलहाल ये ट्रेड में अभी मुझे 1,000 रुपीज़ पर लॉट के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। इस ट्रेड का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आज के दिन तो इस ट्रेड में कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने आपके साथ इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं शेयर किया। जब भी इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक ITC का ट्रेड है, अगर आप देखेंगे ये एक ITC का ट्रेड है। ये सेम ट्रेड है जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है, उसी स्ट्रैटेजी पे मैंने ये वाला ट्रेड लिया हुआ है। फिलहाल ये ट्रेड मैंने 10 लॉट्स में किया हुआ है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ITC का एक ट्रेड करने में अराउंड 25 लाख, सॉरी 2.5 लाख रुपीज़ लगते हैं। तो मैंने ये टोटल ट्रेड 10 लॉट्स में किया है, तो मेरे अराउंड 25 लाख रुपीज़ समथिंग लगे हुए हैं। तो ये 3 ट्रेड हैं जो मेरे फिलहाल करंटली चल रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक ट्रेड और लिया हुआ है थर्सडे के दिन आयरन फ्लाई का, बट वो कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया है, टोटल मैंने 5 क्वांटिटीज में लिया हुआ है। जब मैं इस थर्सडे को जब वो ट्रेड क्लोज करूंगा तो उसकी भी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि उस ट्रेड में मैंने क्या किया है, क्या एडजस्टमेंट किया हुआ है, तो उस ट्रेड की भी मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल अगर जो मेरे पास मेजर ट्रेड है ये 3 ट्रेड है, एक ये आयरन फ्लाई का, एक ये कैलेंडर और एक ये ITC। तो ये 3 ट्रेड है जो मेरे पास इस समय चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मुझे उसे आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल के थ्रू हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ईजी बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून सून।